नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज में और प्रेमचंद प्रजापति। धार जिले के जैन तीर्थ मोहनखेड़ा में युवा कांग्रेस के चल रहे प्रशिक्षण शिविर में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिरकत की। मोहनखेड़ा में चल रहे युवा कांग्रेस के बुनियादी प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, प्रियव्रत सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, सरदारपुर विधायक प्रताप गिरेवाल व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम आदि शामिल हुए। इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास को क्षेत्रीय विधायक प्रताप गिरेवाल व किसानों द्वारा एक मुट्ठी शहीदों के नाम के तहत एक मुट्ठी मिट्टी भी दी। बोर्ड का और साथ में ही कई विद्युत कंपनियां हैं, जैसे कि बीमा कंपनियां हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बात विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी व्यवस्था की पोषक है, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के पोषक है। समाजवादी और पूंजीवाद में क्या फर्क होता है? पूंजीवादी व्यवस्था वो होती है जिसमें कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, नीति बनाई जाती है। और समाजवादी के अंदर गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए ये नीतियां बनाई जाती हैं। आप देखेंगे कि आज़ादी से लेकर आज तक सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस व्यक्ति को अधिकार दिया जो जमींदार और जागीरदार के खेत पर अपना मेहनत करता था। उस कानून के अंतर्गत उनको मालिकाना हक मिल गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए लाए 1955। लाल बहादुर शास्त्री जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन शुरू किया जिसको आगे बढ़ाया इंदिरा जी ने। तो इंदिरा जी ने माइंस का नेशनलाइजेशन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसकी वजह से आम लोगों के रास्ते, बैंकों के रास्ते खुल गए। अब आज जो नीतियां बन रही हैं पूरे तरीके से बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में बन रही है। तो लड़ाई पूंजीवाद और समाजवाद की, निजी कंपनियों को हमारे जो कमाने वाली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको सस्ते भाव में बेचा जा रहा है। NCLT के माध्यम से 6-6, 10-10 हज़ार करोड़ की कंपनियां जो हैं एक चौथाई मूल में बिक रही हैं। तो पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से हावी है और ये किसान विरोधी कानून जो है पूंजीवाद को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उसके मार्केट जो कि 15 लाख से 18 लाख करोड़ का मार्केट है उसमें प्रवेश देने के लिए कानून बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके देने की बात कही, केंद्र और सुप्रीम कोर्ट दोनों आमने सामने हो गए किसान। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग कानून की लीगलिटी पे हम लोग बात नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस चर्चा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए और इसको निर्णय ले लें, एक ऑर्डिनेंस निकाल दें कि अगले जब तक हम अगले तारीख तक उसका नोटिफाई हम नहीं करते हैं तब तक इस कानून का पालन ना किया जाए और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें, जितने सुझाव आए हैं वो लेके और वापस कानून ले आए तो सुलझ जाएगा। यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। भू माफिया। सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। चल रहे कोरोना वैक्सीन, जिस दिन कोरोना वैक्सीन प्रमाणित हो।